फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसके भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? ये विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 24 लवणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? 320 mg कैल्शियम निकलता है। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, आयरन प्रचुर मात्रा एक रक्त में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है? विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में मिलता है। इसका पके हुए आम में 4800 आयु सर्वाधिक विटामिन ए मिलती है। नेक्स्ट है, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पौधों के अंतर्गत पादप वृद्धि नियामक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? जूलियस वान सास ने 1880 में किया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ए का निष्कर्ष सर्वप्रथम किसने दिया था? ये कोगल और हेगजन स्मिथ 1933 में दिया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सीजन को मूलोत्पादन हार्मोन्स किसने कहा था? ये कहा था बेल्ट तथा थाइमन ने कहा था। अगला हमारा, कटे हुए तने में जड़ों का निर्माण किस हार्मोन्स द्वारा होता है? ये मूलोत्पादन हार्मोन्स द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IAA है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, IBA का फुल फॉर्म है इंडोल एब्यूटरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अगला है, tRNA का आविर्भाव होता है 25,000 डेल्टास होता है। अगला है हमारा, DNA अणु में प्रायः यूरिन की संख्या पिरामिड की संख्या के बराबर होती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? इस चारागॉफ ने बताया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रवाल्फिया सपेंटाइन के पौधे में कितना प्रकाश एल्कोहलाइड प्राप्त होता है? 20 से 25 प्रकार। अगला हमारा, कार्बनिक किस समूह के एल्कोलाइड्स हैं? पिरिडीन समूह के एल्कोलाइड हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पिरिडीन वाले एल्कोलाइड्स किस पौधे में पाए जाते हैं? धतूरा में पाए जाते हैं, हीमलॉक। अगला हमारा, कोबीन का सामान्य सूत्र क्या है? कोबीन का जो सामान्य सूत्र है C8H17N है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्लोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये लाइसिन में पाया जाता है। अगला हमारा है, न्यूक्लिक अम्ल किस जैव उर्वरकों अणुओं में सहयोग करता है? प्रोटीन में सहयोग करता है। अगला है, फास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H3PO4। अगला अमर, RNA में नहीं होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता है। अगला अमर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक को क्या कहते हैं? pH कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है? सरल प्रोटीन। अगला हमारा, वनस्पतियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार क्या कहलाते हैं? ये एल्कलाइड्स कहलाते हैं। अगला है, निकोटीन का अणु सूत्र होता है, निकोटीन का जो अणु सूत्र होता है C19H14N2 होता है। 188, DNA में कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? ये एल्डेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एनिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था कोगल एंड हेजेन स्मिथ ने किया था। ऑनिस की खोज किसने की थी? ये डार्विन ने की थी।
साइंटिस्ट है। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? ये क्रो सब ने की थी। अगला, गैसीय हार्मोन्स कौन सा है? इथाइलिन जो है गैसीय हार्मोन्स है। फलों को पकाने में इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये विलियम बेली एवं अर्नेस्ट स्टर्नलिंग ने किया था। 194 है, एमाइलेज किस प्रकार का एंजाइम है? ये सरल प्रोटीन एंजाइम है। अगला हमारा, लाइपेज एंजाइम सामान्यतः पाया जाता है तेल युक्त बीजों में पाया जाता है। IUB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगला है हमारा, 1 ग्राम लिपिड्स में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला हमारा, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला हमारा, प्रोटीन में नाइट्रोजन किस सूत्र से निकलता है? ये 10/16 अर्थात 6.25 से गुणा करने पर निकलता है। अगला हमारा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन तत्वों से होता है? CHO से होता है। अगला हमारा, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अणुमा अनुपात होता है 2:1 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, सॉरी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगला हमारा, माल्टोज का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है एक द्रव्यमान जो होता है 160 से 165 सेंटीग्रेड होता है। लैक्टोज का द्रव्यमान कितना होता है? 203 सेंटीग्रेड होता है। और ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज आपस में जुड़े होते हैं, बी बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, 206 स्टार सबसे बड़ा ज़्यादा किस देश में पैदा किया जाता है? जर्मनी और अमेरिका में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, पैदा किया जाता है। अगला हमारा, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ये फेडरिक विल्हेम कुहन ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, एंजाइम किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला, जीवों के वंशानुगत गुणों के निर्धारण के रूप में प्रयुक्त अम्ल है? यह ल्यूनिक अम्ल है। नेक्स्ट है, DNA में न्यूक्लियोसाइड की श्रृंखला है? यह 5000। नेक्स्ट है हमारा, लिपिड्स का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.8 होता है। अगला है हमारा, जेल डॉग विधि द्वारा किसका परीक्षण करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। अगला हमारा, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला, प्रोटीन निर्माण में सहायक तत्व है? नाइट्रोजन सहायक तत्व है प्रोटीन निर्माण में। अगला हमारा, प्रोटीन निर्माण में सहायक तत्व है नाइट्रोजन। अगला हमारा, एंजाइम और हार्मोन्स की उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? प्रोटीन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, जीन प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन मक्का में 10% पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? एग में और मिल्क में पाई जाती है। शरीर में की वृद्धि और विकास में सहायक प्रोटीन कौन से? प्रोटीन है। नेक्स्ट, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है नाखून बाल और रतुर में पाई जाती है। 140 है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? मोल्डर ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब प्रोटीन शब्द दिया था ये बर्जिलियस ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ये, अब बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ लाइक के नाम से जानते हैं, प्रोटीन को जानते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दालों में पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन। विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन शब्द दिया था फंक ने, विटामिन शब्द दिया था। विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने, विटामिन की खोज की थी। ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है, और जो पेलेग्रा रोग होता है वो विटामिन B5 से होता है। और फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? फोलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का नाम है। विटामिन डी का जो नाम है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स ऑस्टेलोमेसिया रोग होता है।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? गर्भपात रोग होता है। इसमें विटामिन के की कमी से क्या होता है? बच्चों में रक्त का थक्का और प्रौढ़ में स्टीफोरिया रोग हो जाता है। विटामिन K2 का रासायनिक नाम क्या है? ये फर्नोकोबिलीन। नेक्स्ट है, कैरोटीन किस विटामिन का पूर्वज है? कैरोटीन जो है विटामिन ए का पूर्वज है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी? विटामिन के है। अगला हमारा, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में बांटा गया, जल में घुलनशील, बटा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।